हमीरपुर में मुखिया सड़क मार्ग के किनारे सीवरेज का गंदा पानी सड़क किनारे बहने से दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि कई बार इसके बारे में नगर परिषद को शिकायत की गई है, लेकिन समस्या हल नहीं हुई है, जिसके कारण लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। सड़क किनारे सीवरेज का गंदा पानी बहने से आने जाने वाले राहगीरों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है। हमीरपुर में मुख्य सड़क मार्ग के किनारे सीवरेज का गंदा पानी सड़क किनारे बहने से दुकानदारों को भारी परेशानी हो रही है। हालांकि कई बार इस बारे में नगर परिषद को शिकायत की गई है, लेकिन समस्या हल नहीं हुई है, जिस कारण लोगों में गहरा रोष पनपा हुआ है। सड़क किनारे सीवरेज का गंदा पानी बहने से आने जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। दुकानदारों ने बताया कि सीवरेज का गंदा पानी दुकानों के सामने से बह रहा है, जिस कारण बदबू से बुरा हाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि गंदगी के चलते दुकानों में भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, जिससे धंधा चौपट हो रहा है। कोई सुनाई नहीं इसमें। विभाग से बात होने पर क्या बाई की जा रही है, बोलते हैं करते हैं तो कोई सुनाई नहीं। तो हमारा तो यहाँ पे आप खुद ही देख रहे हैं, अभी यहाँ पे बैठना मुश्किल है। दुकान में लीकेज किस चीज़ की हो रही है? सीवरेज का चैम्बर ब्लॉक हुआ है। आगे राजे नहीं कहोगे, यहाँ पे खाने पीने की आइटम है, तो यहाँ पे ग्राहक कोई चढ़ रहा है, यहाँ पे खड़े होना, आप भी देख रहे हैं, खुद भी खड़े होना, तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसकी स्मेल है, गंदी स्मेल है, तो ग्राहक कहाँ आएगा? इसमें तो बिजनेस भी जीरो हो गया। बेकर्स का काम शुरू किया है नया, और बड़ी बात क्या है कि ये पिछले 15 से 20 दिन से मैं देख रहा हूँ, और लोगों को यहाँ पे बड़ी समस्या आ रही है, जिसके कारण आपको पता है आजकल कोरोना वायरस ऐसे चला हुआ है और लोग इस चीज़ से मतलब दूर रह रहे हैं। और बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से अपना, मैंने अश्विनी जी को जानकारी दी जो यहाँ के पार्षद है वार्ड नंबर 6 के, इनको मैंने बोला कि यहाँ पे बड़ी समस्या है। ये 2-3 दिन पहले भी आए थे, तो उन्होंने मौका देखा और आज आपको बुलाया। और मेरी जल्द से जल्द निवेदन यही है अपना, जो इस विभाग के जितने भी डिपार्टमेंट के आदमी हैं वो काम करते हैं, उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि मेरे को भी दिक्कत हो रही है। लोग ना यहाँ पे सामान ले रहे हैं और कुछ ले रहे हैं। वहीं पार्षद अश्विनी कुमार ने बताया कि दुकानदारों की शिकायत पर आईपीएच विभाग को भी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक सीवरेज को ठीक नहीं करवाया गया है। उन्होंने बताया कि सीवरेज का गंदा पानी दुकानों के सामने से बह रहा है। उन्होंने आईपीएच विभाग से मांग की है कि जल्द समस्या का हल किया जाए। ये 2 बार शिकायत कर चुके हैं, सोमवार को भी कंप्लेंट लिखवाई गई थी, उसके बाद सर्वेयर आया था, देख के गया है, मगर अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं दोबारा आईपीएच विभाग से आज मैंने बात की, उन्होंने बोला कि इसे जल्दी ठीक करवाते हैं, मगर आजकल बीमारी का दौर चला हुआ है और ये सीवरेज का गंदा पानी दुकानों के आगे बह रहा है, पब्लिक का आम रास्ता है आने जाने का। मेरा फिर से ये निवेदन रहेगा, इसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, ताकि इस समस्या से निजात मिल पाए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।